स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको 6 नंबर का यहाँ पर 30 शिफ्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा और आप ये पेपर देख लीजिए किस तरह के आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से देखिएगा, मैं तुरंत आपको करा दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी कराया तो आप जल्दी देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो जिसका कल एग्जाम है वो अच्छी तरह करिएगा। देखिए यहाँ पर 30 शिफ्ट का है। देखिए फिजिक्स में आप सिंपल है थोड़ा आया था आपका। देखिए ट्रांसफार्मर की करोड़ का एलिमिनेशन किया जाता है तो वो भवन दरों को कम करने के लिए, सिंपल से था। और ये दिया कि देखिए दूसरे में अच्छी तरह लिखा है इसमें। देखिए डेल्टा क्यू बराबर इतनी वैल्यू दी है, डेल्टा यू बराबर वैल्यू दी थी, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ये सूत्र होता है आपका, उसमें गत किम पढ़ा होगा आपने। तो ये आपका जोड़ दिया गया, ठीक है, सिंपल सा है, जोड़ा है इसमें, ठीक है। तो ये इधर गया तो माइनस का हो गया, 110 माइनस 40 तो 70 आ गया, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है देखिए, इसमें दिया गया था LCR पर्पज की बात है, तो एक पर्पज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, VI के मध्य कलांतर पूछा गया था, तो उस समय आपका जीरो होता है, ठीक है, शून्य ऑप्शन दिया होगा या तो, ठीक है। दिया संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो आपने पढ़ा होगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पर होता है, ये जो सी पर पोजन 1/d होता है, बीच की दूरी होती है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है साबुन के कपड़े आसानी धुल जाते हैं वो पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव का टी होता है, ठीक है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसकी जो वीमा ध्यान रखिएगा MT माइनस का 2 होती है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, टी बराबर F/L होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा बताने को, क्योंकि ये देखिए आपका अब ये दोबारा तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब ये कि पृष्ठ तनाव से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है देखिए दिया गया है वृत्ति गति में कला नियत रहती है, ये क्वेश्चन बच्चों ने दिए थे 2-3, मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये वाला सूत्र लगेगा V²/R, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था मुझे, ये क्वेश्चन बच्चों ने कुछ कहा था थोड़ा अलग हट के आया था या कुछ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा खुद, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड नियम तैरने का नियम होता है, जिसमें क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों के नियम लगता है, ठीक है, ठीक है, एक तरफ रिएक्शन होता है एक तरफ एक्शन होता है, ठीक है, ये पता होगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशतता गुणांक की जो इसमें नियम क्या है उसको वो पूछा गया था, बीमा पूछी गई थी, ठीक है, इसमें बीमा बतानी थी, एक बीमा आ रही है सिंपल सी, ठीक है, वही बता दीजिएगा आप। देखिए ये है ए बराबर 30+5 था, तो टी की वैल्यू 2 रखनी थी, बस सिंपल सा आपको करना था, ठीक है, सिंपल था, तो 6, 5, 11 हो जाएगा, ये बराबर 11, ठीक है, टी की वैल्यू 2 रखना। तो दोस्तों देखिए फिजिक्स का, देखिए यहाँ पे फिजिक्स के कम से कम 6-7 क्वेश्चन मैं ले पाया हूँ, और ये लगभग क्योंकि आपको क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर होता ना तो दिक्कत होती है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मिले थे, और शायद जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे शायद हार्ड हो, लेकिन 6-7 आपके इजी लग रहे हैं इधर, ठीक है, तो और शायद मुझे नहीं पता कैसे आते पेपर, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में पेपर कैसे आया था, ठीक है। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराता रहता हूं। और मैंने आपको एयरफोर्स रीजनिंग के क्वेश्चन कराया, इंग्लिश 1/1 सब्स्टिट्यूशन भी कराया, ठीक है,